दोस्तों यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग भैया जिस एयरक्राफ्ट अपोलो 11 में चांद पर गए थे उन्होंने अपना कदम रखा था, तो जो कंप्यूटर यहाँ पर यूज हुआ था अपोलो 11 को उड़ाने में, वो आजकल जो 4GB रैम वाले स्मार्टफोन आते हैं उससे जो है उनका कंप्यूटर 1 मिलियन टाइम्स लोअर था। आपको ये पता है? नहीं पता है तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य के बारे में जिनको जानने के बाद आप ऐसे हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड यहां पर अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करने का, अपन लोग आज तुमको चांद पे पहुंचाएगा, चांद की सारी यहां पर जानकारी देगा। सो वीडियो को लाइक करने का, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, समझे क्या? सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स की वीडियोस भी लेके आता रहूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, काफी मजा आएगा ऐसी सीरीज को कंप्लीट करने में। सो गाइस यहाँ पर बात करें पहले अमेजिंग फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है, जो लोग यूएस में रहते हैं उनके पास यूएस की सिटीजनशिप होगी, जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं उनके पास बांग्लादेशी सिटीजनशिप होगी एंड सो ऑन। बट कभी आपने ये सोचा है कि किसी एक रोबोट को किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल सकती है? तो जी हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे मिल सकती है भाई, वो तो रोबोट है, उसे इंसानों ने बनाया, इंसानों वाली सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसने जो यहाँ पर एक सोफिया नाम के AI रोबोट को जो है वहाँ की सिटीजनशिप दी है। एंड ये जो रोबोट है ये सोफिया कोई मामूली रोबोट नहीं है, ये एक AI बेस्ड रोबोट है। तो इस सोफिया रोबोट को लॉन्च किया था 25 अक्टूबर 2017 में एंड यहाँ पर जो है इसे मिली थी सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसान जो है उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर जो है रोबोटों को जो मिल रही है सिटीजनशिप। तो ये तो वही बात हो गई, इंसानों को नहीं मिल रही है घास और रोबोट्स खा रहे हैं चमन पर आज। सुनाओ कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सोफिया ये कोई मामूली जो है रोबोट नहीं थी, ये AI बेस्ड रोबोट थी जो कि यहाँ पर जो है आपके फेस को पहचान लेती थी, मतलब इसने अगर किसी का फेस देखा है तो उसे वो पहचान लेती थी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था एंड यहाँ पर जो है इसमें 62 तरह के ह्यूमन एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस करने की यहाँ पर टेक्निक थी, मतलब हम जो यहाँ पर नैन मटक्का करते हैं, यू करते हैं ऐसे कुछ उसमें एक्सप्रेशन डाले गए थे, ऐसे तो नहीं मतलब कुछ और ह्यूमन एक्सप्रेशन डाले गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है हमारे जो आजू बाजू कुत्ते बिल्लियां जो है उनको भी जो है यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेगी। सो यहाँ पर हम जो है एक हैशटैग स्टार्ट करेंगे, हैशटैग जस्टिस फॉर आवर पेट्स। ओके नाउ यहाँ पर बढ़ते हैं अपने सेकंड अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल जो नॉर्मल फ़ोन है 3GB 4GB रैम तो एटलीस्ट मिनिमम लोग लेते ही हैं, बट आपने कभी ये सोचा है कि जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो कि मून पे लैंड हुआ था अपोलो 11, उसको उड़ाने में जो कंप्यूटर यूज़ किया, उसको उड़ाने मतलब ब्लास्ट नहीं, उसको ऊपर आसमान में उड़ाने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था उसमें कितनी रैम थी? तो आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि उसमें जो रैम थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 4KB ऑफ रैम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप यहाँ पर 4GB रैम यूज़ करते हैं, उस टाइम पे उस जमाने पे इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट उड़ाना था उसमें सिर्फ और सिर्फ 4KB ऑफ रैम थी जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था उस स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर हम कंपेयर करें अपने फ़ोन से उस कंप्यूटर को, तो 1 मिलियन टाइम फास्टर है हमारा फ़ोन उस कंप्यूटर से। एंड यहाँ पर बोला जाता है कि उसमें जो रीड ओनली मेमोरी जो हमारा स्टोरेज रहता है वो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 72KB थी। आजकल हमें मिलता है 32GB 64GB, तो ये तो कितना मिलियन टाइम जो है उससे बेहतर जो है हमें आजकल यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो कंप्यूटर यूज़ किया था वो कितना पावरफुल होगा, इतने कम रिसोर्स होने के बावजूद भी उसने जो है मून पर लैंड कराया था, वहाँ से वापस भी आए थे इंसान सही सलामत। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है हमारी टेक्नोलॉजी वास्ट है, कितनी पावरफुल है। और आप यहाँ पर लड़ते हैं कि हमारे में पबजी लैग हो रहा है, ये लैग हो रहा है, तो आप सोचिए कि वहाँ पर उस टाइम पे उनका क्या क्या लैग हुआ होगा, कितने पेशेंट इंसान थे, पेशेंस पेशेंट। सो गाइस यहाँ पर तीसरे फैक्ट के बारे में बात करें, तो इसको जान के आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं इसमें जो है बहुत सारे यूज़र जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताऊँगा तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर जो है 51% मोर देन 51% ऑफ द यूज़र्स जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो बॉट्स हैं, मतलब वो ह्यूमन नहीं है।
तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 49% लोग ह्यूमन है, अदरवाइज जो 51% है उससे ज़्यादा ही बोल लीजिए जो बॉट्स हैं यहाँ पर। तभी जो है हमारे आए दिन जो है चेक बॉक्स आते रहते कि आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर टिक कीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पजल को सॉल्व कीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर बताइए कि स्ट्रीट में कितनी ट्रैफिक लाइट है, आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर कार को जो है पहचानिए। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पर जो है बॉट को जो है वो निकाल सके, एंड यहाँ पर कोई भी जो है एड्स को बॉट को शो डेफिनेटली नहीं करना चाहेगा। जिनके भी ऐड हैं वो किसी बॉट्स को ऐड क्यों दिखाएंगे, वो एक ह्यूमन को ही ऐड दिखाएंगे तभी उनको फ़ायदा होगा। सो यहाँ पर जो है इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी लोचा होता रहता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस यहाँ पर आए दिन हम जो है बाहर जाके खाना खाते हैं या पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं अपने लिए, कुछ भी ऐसे फास्ट फूड खाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा खाना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 700, 1000, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 तो बहुत कम लोग होते होंगे। सो यहाँ पर जो बाहर जाके रेस्टोरेंट में भी खाते होंगे वो 10000 मैक्स टू मैक्स, यहाँ पर चलो 20 लोग का पकड़ लिया 30000, 40000, ओके आपका ना मेरा 50000, ठीक है 50000 में एक टाइम का खाना हो जाता है। बट कभी आपने ये सोचा है कि सिर्फ दो पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है वो कुछ करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है, नहीं सोचा है? तो अब जो है इसके बारे में सुनिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर जो है बिटकॉइन के बारे में आप सभी जानते हैं, एक वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जिसे जो भी बोल लीजिए, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन का जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, उस टाइम पे जो है बिटकॉइन बहुत सस्ते थे। उन पर एक इंसान था हेनयिज़ नाम से, उसने जो है यहाँ पर बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हुए दो पिज़्ज़ा मंगाए थे, एंड यहाँ पर जो उस टाइम पे उसने बिटकॉइन यूज़ किए थे वो थे 10,000 बिटकॉइन, जो कि उस टाइम पे $30 के अप्रॉक्स कुछ उनकी वैल्यू थी। सो यहाँ पर उस टाइम पे उस शख्स को ये नहीं पता था कि वो आने वाले दिन में करोड़पति बन सकता है या अरबपति बन सकता है या दुनिया फाड़ के पति बन सकता है। अबे साले, तो वो ऐसे पिज़्ज़ा डेफिनेटली नहीं मंगाता। उसने उस टाइम पे जो पिज़्ज़ा खाए थे उसकी कीमत कुछ करोड़ों में थी। तो गाइस यहाँ पर 10,000 बिटकॉइन की कीमत का अगर हम पता करें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो हम पता कर लेते, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे को गिनती नहीं आ रही है कि इतने कितने यहाँ पर इस वैल्यू को कैसे गिना जाए, करोड़ के ऊपर भी जा रही है। आप सोच सकते हैं उस इंसान को बेचारे को कैसा लगा होगा, उसने करोड़ों का पिज़्ज़ा खाया, खाली दो पिज़्ज़ा जो खा के उसने निकाल भी दिए होंगे। तो तभी बोला जाता है जल्दी का काम शैतान का होता है, तो यहाँ पर जो है जल्दी का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम सब जो है एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, जो आईफोन वाले हैं वो भी सुन लीजिए, आपको डेफिनेटली ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। सो आपने कभी ये सोचा कि एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल के अलावा कैमरा के लिए आया हो? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एंड्रॉयड जो कंपनी बनी थी उसे बनाया था सिर्फ महज 3 लोगों ने थे, जिस कंपनी का नाम था एंड्रॉयड INC, तो उस टाइम पे जो है वो बनाया गया था कैमरा के लिए, उसका जो UI था वो कैमरा के लिए बनाया गया था। बट लेटर ऑन जो है गूगल ने उन तीनों से उसको खरीद लिया था, एंड यहाँ पर जो है वो हमारे सामने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म बना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, जो हमारे स्मार्टफोन में यूज़ होता है। सो अगर उन तीनों ने खाली कैमरा के लिए बनाया होता उस UI को, अगर बेचा नहीं होता गूगल को, तो शायद आज हम एंड्रॉयड को एंड्रॉयड के नाम से नहीं जानते, शायद उसे हम जलेबी, समोसा, फाफड़ा, ढोकला इन सब के नाम से डेफिनेटली जान सकते थे। कुछ भी। सो गाइस ये थे वो 5 जबरदस्त फैक्ट जिनको आपको यहाँ पर जान के काफी आश्चर्यजनक हुआ होगा, एंड आपको कौन सा बेस्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आप हमें बताइए कि हम ऐसी सीरीज लेके आए ताकि यहाँ पर आपकी नॉलेज भी बढ़े एंड हमें भी काफी इंटरेस्ट आए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बातें आपको बताने में। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसवाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफी छोटा विचार है लेकिन काफी मोटिवेशनल विचार है, ध्यान से सुनिएगा। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके उतने ही ज़बरदस्त होते हैं।